नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर उनके मुख्यमंत्री से बातचीत हो गई है और जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली गांव भनकपुर में लोगों की समस्याओं को सुनने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस मौके पर उनके साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता तेजपाल डागर मुख्य रूप से मौजूद रहे। ग्रामीणों ने उनके समक्ष जो समस्याएं रखी, उन्होंने तुरंत अधिकारियों को उनका समाधान करने के आदेश दिए। वहीं उसका समय भी बाउंड किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का सिंबल पर चुनाव लड़ने का अपना फैसला है कि वे सिंबल पर चुनाव लड़े या ना लड़े, लेकिन बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगा, ऐसा उनका मानना है। उन्होंने कहा कि गांव को शहरों की तर्ज पर बनाने का उनका लक्ष्य है। 70% आबादी गांव में रहती है और उनका मानना है कि अभी गांव में विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज यहां अभिनंदन समारोह में हमारे भाई तेजपाल डागर जी ने और सभी साथियों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने आज अभिनंदन समारोह का एक प्रोग्राम रखा हुआ था, तो उसमें मैं आया हूँ। गाँव की समस्याएँ थी, गाँव में डिवेलपमेंट को लेकर कुछ चर्चाएँ थी, तो उस पर उस प्रोग्राम में पहुँचा हूँ और मैं आज इस सफल आयोजन की भाई तेजपाल डागर जी को, पूरी टीम को, हमारे सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो गांव से संबंधित समस्याएं थी हमने सुनी है, उसको आने वाले बहुत कम समय में, हमारे दोनों पार्टियां आज गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, दोनों पार्टियों का साझा फैसला होगा। और जहाँ तक मेरा मानना है, पंचायत और जो मेंबर के चुनाव सिंबल पर ना कभी पहले हुए, शायद ना ये चुनाव भी इनिशियल होगा, और बड़े चुनाव का फैसला सिंबल पर लिया जाता है, पंचायतों का फैसला नहीं। ऐसी कोई गलती करेंगे नहीं और कोर्ट ने रिलीफ दिया है। एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई है, इस पर अभी एक बार चर्चा करके फौरी तौर पर अगले 1-1.5 महीने के अंदर, वो उनका पार्टी का फैसला है, वो जनता का फैसला है। सुपड़ा पार्टी नहीं करना होता साहब, जनता ने बनाना होता है, जनता ने हटाना होता है। वो हरियाणा प्रदेश की जनता बाखूबी जानती है कि किसको सत्ता में रखना है, किसको हटाना है। जो डिवेलपमेंट आज गठबंधन की सरकार कर रही है, जो फैसले आज ही सरकार ने, हमारी गठबंधन सरकार ने लिए हैं, वो फैसले 60 साल तक कांग्रेस नहीं ले पाई थी। आज जितनी भी योजनाएं हैं, मैं गांव के लिए जो मुझे जिम्मेवारी गांव में मिली है एज पंचायत मंत्री। राष्ट्रीय समाचार पत्र पाइनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।